सुपरस्टार अक्षय कुमार करीब 3 साल से लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं। ऐसे में उनकी लगातार फ्लॉप फिल्में उनकी करियर के लिए शायद अच्छी नहीं है। आपको बता दें, अक्षय की आखिरी फिल्म साल 2023 में ही आई थी, जिसका नाम था सेल्फी। इस फिल्म को 110 करोड़ में बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। वहीं अक्षय की आखिरी हिट फिल्म साल 2021 में सूर्यवंशी आई थी, जिसमें कैटरीना कैफ भी थी। अक्षय कुमार की पिछली 5 फिल्में फ्लॉप साबित हुई हैं, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली, राम सेतु और सेल्फी। ये सारी फिल्में अपना बजट निकालने में भी असफल रही थी। अब उनकी आने वाली 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उनका आगे का करियर तय करेंगी, क्योंकि इन 5 फिल्मों पर मेकर्स के 800 करोड़ दांव पर लगे हैं। चलिए आपको इन फिल्मों के बारे में बताते हैं। OMG 2 अक्षय कुमार की ओ माई गॉड जो सुपर हिट हुई थी, अब फिल्म का सीक्वल OMG 2 आने वाला है। फैंस इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। इस फिल्म को करीब 100 करोड़ की लागत पर बनाया जा रहा है। फिल्म में एक बार फिर अक्षय परेश रावल के साथ दिखेंगे। हेरा फेरी 3 अक्षय की सीक्वल फिल्मों की लंबी कतार में हेरा फेरी भी है। हेरा फेरी का 3रा पार्ट आ रहा है। इस बार भी अक्षय के साथ सुनील शेट्टी और परेश रावल की जोड़ी दिखेगी। खबर पहले आ रही थी कि अक्षय इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन वह यह फिल्म कर रहे हैं। इस फिल्म को भी 100 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। बड़े मियां छोटे मियां अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साल 2022 में ही ऐलान की गई थी। इस फिल्म में अक्षय के साथ टाइगर श्रॉफ भी नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, 2 एक्शन हीरो हैं, तो ये फिल्म एक्शन से भरी होगी। फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं। आपको बता दें, ये फिल्म बड़े बजट में बन रही है, जो 300 करोड़ से अधिक का है। हालांकि ये फिल्म साल 2024 में ईद के मौके पर रिलीज हो सकती है। सूरा राय पोत्रू तमिल फिल्म सूरा राय पोत्रू के रिमेक में अक्षय कुमार होंगे। उनके साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी। हालांकि इस फिल्म के टाइटल का ऐलान नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को भी करीब 100 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। कैप्सूल गिल अक्षय की फिल्मों की कतार में कैप्सूल गिल का भी नाम है। ये एक तरह का बायोपिक है, जिसमें अक्षय कुमार माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को टीनू सुरेश देसाई निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म का बजट भी 100 करोड़ है।